नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। इन दिनों बिहार में वायरल बुखार काफी तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। बच्चों में वायरल बुखार हो रहा है, जिसके कारण बच्चे बुखार से पीड़ित होते हैं और अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल स्वास्थ्य विभाग की बैठक करके वायरल बुखार पर नियंत्रण करने के लिए और निगाह रखने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी को निर्देशित किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वायरल बुखार के लिए उपलब्ध दवा हर अस्पताल में है, बेड की कमी नहीं है। वायरल बुखार बच्चों को हो तो तुरंत उसे एडमिट किया जाए और उस पर निगाह रखी जाए और इलाज किया जाए। मैं बताऊं आपको कि बिहार के कई जिले में वायरल बुखार के कारण काफी मात्रा में बच्चे इलाजरत हैं और यह एक कोरोना रूपी महामारी के तर्ज पर देखा जा रहा है। कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण को ग्रामीण इलाकों में ले जाकर कराए जाने की भी बात कही गई है। ग्रामीण इलाके में तेजी लाने की बात भी निर्देशित नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि केरल मुंबई से आने वाले लोगों की जांच तो निश्चित ही होनी चाहिए। 2 लाख लोगों की जांच की लक्ष्य बताई गई है। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बात है वह सीएम नीतीश कुमार ने वायरल बुखार पर निगाह डाला और वायरल बुखार पर अंकुश लगाने के लिए हर प्रकार के दिशा निर्देश दी और साथ ही साथ बच्चों के जीवन को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने निर्देशित किया है पदाधिकारियों को और कहा है कि वायरल बुखार से बचने के लिए बच्चों को एडमिट कराया जाए और हर तरह की दवा उपलब्ध है, इलाज समुचित रूप से सही तरीके से की जानी चाहिए और इस वायरल बुखार पर अंकुश लगना चाहिए। इस प्रकार के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।